गुड मॉर्निंग एथ क्लास आज हम चैप्टर फोर्टीन को कंप्लीट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड इलेक्ट्रिक करेंट कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स हीटिंग इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ये आपने क्लास सेवंथ में भी पढ़ा है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन क्लास सेवंथ यू हैव स्टडीड द हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब हम पढ़ेंगे यहां पर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है इसे कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेन करंट इज पास थ्रू एससीडीफाइड वाटर द हाइड्रोजन आइन्स मूव टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी जब करंट पास किया जाता है पानी के अंदर तो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ चल पड़ते हैं द हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक करंट एंड फॉर्म न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम और वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके और वो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं दीज हाइड्रोजन एटम ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर हैंड द हाइड्रोक्सिल आय मूव टूवर्ड्सिवली चार्ज आय हाइड्रोजन आइन नेगेटिवली चार्ज की तरफ जाते हैं और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिली चार्ज टर्मिनल की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस वी विल लर्न दिस कंसेप्ट इन हायर क्लासेस सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आर बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स जब इलेक्ट्रो क्ट्रोड जब ये किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो बबल्स आते हैं वो क्या है केमिकल इफेक्ट है डिपोजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड और कुछ मेटल भी डिपोजिट हो जाता है इसके ऊपर कलर ऑफ चेंज ऑफ कलर में अकर इन द सोलूशन और सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ये सब है आपके केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस के क्या यूजेस हैं? एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देअर ओर इलेक्ट्रोलिस इज यूज इन एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देअर ओर फॉर एग्जाम्पल वेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड सोडियम इज डिपोजिटेड एट द कैथोड एंड क्लोरिन इज इवाल एट द एनोड एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम देअर ओर बाई इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिसिस का काम है एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देअर ओर ओर किसी कहते हैं जो मेटल का मिक्सचर होता है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोलिसिस का काम है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जो सोडियम क्लोराइड है जिसे हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं सोडियम जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है और क्लोरीन गैस एनोड पे डिपॉजिट हो जाती है ठीक है मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स केमिकल्स बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर द केमिकल्स दैट आर यूज इन इंडस्ट्रीज इन लार्ज क्वांटिटीज मैन्यूफेक्चर ऑफ ऑक्सीजन क्लोरिन हाइड्रोजन गैस इज डन बाई इलेक्ट्रोलिस करने के लिए उनको क्लियर करने के लिए भी जो है इलेक्ट्रोलेटिक रिफाइनिंग कहलाती है जो इलेक्ट्रोलेटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिस मेटल्स को रिफाइन करना मतलब प्योर करना इलेक्ट्रोलेटिक रिफाइनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मेनी मेटल्स लाइक कॉपर जिंक टिन सिल्वर गोल्ड एंड निकल आर रिफाइंड बाय दिस मेथड इन सब मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए हम रिफाइनिंग करते हैं जो भी एक इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेथड ऑफ कोटिंग द मेटल सरफेस विद इन विद इन अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब कोई भी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है तो वो प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग यहां आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एडिशन ऑफ सॉल्ट मेक द डिस्टिल वॉटर क्या बना देता है उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्टिल वॉटर क्या होता है बैड कंडक्टर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हो वो बन जाता है गुड कंडक्टर वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल इफेक्ट टेक प्लेस ठीक है अब यहां पे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या क्या यूजेस हैं? डेकोरेशन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी एक्सपेंसिव द आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेड बाय फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद मोर एक्सपेंसिव मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक देम लुक एक्सपेंसिव कुछ जो मेटल्स uh, होती है सिल्वर और गोल्ड वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दूसरे सिंपल मेटल्स को जो कि सस्ते होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है गोल्ड या सिल्वर की और उनका लुक वैसा ही आता है तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसमें यूज होती है प्रोटेक्शन आयरन ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम निकल एंड जिंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग इसी तरीके से आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब क्रोमियम की प्लेटिंग हो जाती है जैसे कार वगैरह है वो सारी जो ऊपर उनकी पॉलिश होती है वो क्रोमियम की होती है, होती है निकल और आपके जो टैप वाटर वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी क्रोमियम की पॉलिश होती है निकल आपके स्टील के ग्लासेस पर निकल की पॉलिश होती है तो वो सब क्या करते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए होते हैं दिस इज बिकॉज क्रोमियम निकल एंड ड्रिंक डू नॉट कोरोड इजिली जल्दी से खराब नहीं होते क्रोमियम प्लेटिंग इज डन मेनी ऑब्जेक्ट सचेस कार पार्ट्स वाटर टेप्स किचन यूटेंसिल्स गैस बर्नर बैसिकल हैंडल्स बार्स एंड व्हील आर्म्स तो ये सारा प्रोटेक्शन का काम करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग सी फॉर केयर ऑफ अर एनवायरमेंट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम दिस इज बिकॉज दिज कंडक्टिंग सोल्यूशन आर एसिडिक इन नेचर एंड ऑल्सो कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्टस दैट मे बी पॉइजनस सो द कंडक्टिंग सोल्यूशन यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर पोल्यूटिंग वेस्ट एंड शुड बी डिस्पोज ऑफ इन प्रॉपर वे बाय फ्लोइंग फॉलोइंग द स्पेसिफाइड डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एन्वायरमेंट इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो होती है वहां पर क्या होता है जो डिस्पोजल होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट वो जो है एक मेजर प्रॉब्लम है कि वो सारा डिस्पोजल कहाँ जाता है वो सारा डिस्पोजल जाता, जाता है सब वॉटर बॉडीज में और इसकी वजह से बहुत सारी पॉइजनस जो है टाइप्स की गैसेस भी नेचर में आती है तो इसको करने से पहले क्या करना चाहिए इसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर वे में करना चाहिए और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए तो ये आपका यहाँ चैप्टर फोर्टीन फिनिश होता है आज नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अभी इसके साथ पीडीएफ में मिल जाएंगे द इलेक्ट्रोड कंडक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड cathode which of the following is metal is refined by electrolyting refining copper iron objects are generally electroplated with chromium the electrode conducted to the negative terminal of the cell is called cathode positive negative uh, positive uh, sorry during electrolysis the cations present in the electrolyte move towards the थोर्ड फर्स्ट वाले का आपका है एनोड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस क्लोरीन गैस ऑफ अनोड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ऑल ऑफ दीज तो यहां आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्टल वाटर the method of coating used by jewellers on silver articles with the thin layer of gold the help of electric current is uh, termed as electroplating fill in the blanks a chemical compound when dissolved in water is called aqueous solution anions are negatively charged ions during electrolysis <coughs> the anion present in the electrolyte move towards the anode the method of coating the metal surface with the superior metal with the help of electric current is called electroplating the decomposition of an electrolyte when electric current is passed through it is called electrolysis